सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। आज के जमाने में अक्सर वही लोग टाइम पास करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता। आज का पंचांग 19 जून 2020 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 11:01 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 10:31 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:55 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 19 जून 2020 दिन शुक्रवार, संचार अभी महत्वपूर्ण है। परिवार में किसी को खासकर आपके छोटे भाई को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अपने परिवार के साथ एक यात्रा का योग है। आप किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी महसूस करेंगी। बोले या अपने विचारों को साझा करें, साथ ही दूसरों की सुनें। आज आप उदासीन महसूस करेंगे किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाले हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। वहां सावधानी से चलें। विचार करने के लिए खूब समय ले, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में जुट जाएं। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है। दोपहर के समय करीबी व्यक्ति घर आ सकता है। ये मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपकी उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। आज किस्मत का चक्का आपके पक्ष में घूमेगा। आज आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में दुविधा महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ें और अब जो हो रहा है उसे पूरा करने के लिए परस्पर विरोधी इच्छाओं से संबंधित तनाव होगा। दिलचस्पी बातचीत आज आपको एक नई दिशा में ले जा सकती है। सावधानियां। दिन की शुरुआत में मन स्थिति डावाडोल हो सकती है। आलस के कारण कुछ काम टालने का मन होगा, लेकिन नकारात्मकता हावी ना होने दें और आत्मविश्वास से उपलब्धियों का स्वागत करें और उन्हें समझें। लव लाइफ की बात करें तो अपने लवर को नजरअंदाज ना करें और उसके लिए कोई उपहार जरूर लें। यह छोटी छोटी चीजें ही प्यार को गहरा बनाती है। पड़ोसियों के साथ तकरार हो सकती है। एक कहावत है कि क्षमा करो और भूल जाओ। अधिकतर मामलों में यह बात सही है। हालांकि भूल जाना माफ करने से अधिक मुश्किल है, किंतु इस तरह से आप अपने प्यार को और भी नजदीक पाएंगे। प्यार क्षमा को करने का ही दूसरा नाम है। आज मूड में बदलाव हो सकता है, इसीलिए कोई भी विशेष काम करने से आज बचें। करियर की बात करें तो आज आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे। जहां एक और आपको छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिल रहा है, वहीं नई उम्मीदों और कई संभावनाओं से आपका भविष्य उज्जवल है। आयोजित भुगतान या धन का घाटा आपको परेशान कर सकता है। जीवन के इस नए दौर के लिए तैयार रहें। अच्छा, आपका पूरा दिन धन से संबंधित है। पैसे कमाने वाली योजनाओं और कार्यों की तरफ आज अधिक आकर्षित होंगी। आपकी सितारे भी आज आपको धन और संपत्ति के साथ नवाजने वाले हैं। बस अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। नई योजनाएं शुरू करने के लिए नए लोगों का समर्थन भी आपके लिए फायदेमंद है। सेहत की बात करें तो अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर आज आप थोड़ा घबराए हुए रहेंगे। चिंता ना करें, उनकी सेहत ठीक रहेगी।
फिर भी उन्हें जांच के लिए लेकर जाएं, उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।